सही में पसंद आई आप लोगों को? क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटमेंट है? मैं बहुत ज्यादा, मैं तो इतने दिन से एक्साइटमेंट की वजह से सब गला सब बैठ गया मेरा एक्साइटमेंट की वजह से। पर सच में पसंद आई सबको? सबने देखा? देखे कौन कौन गए? ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, आप सबके प्यार की वजह से मुझे बार बार मौका मिलता है काम करने का और कुछ एंटरटेनिंग और कुछ मज़ेदार लेके आने का। बहुत प्यार से हम लोगों ने बनाया है ये शो, बहुत मस्ती मजाक के साथ आप देख सकते होंगे। बाकी रायमा जी बताएंगी। मेरा हिंदी में हो गया, आपका इंग्लिश अभी। पर इनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया क्योंकि ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक, हर वक्त सेट पे ही इज़ शाउटिंग स्क्रीमिंग लाइक जंपिंग अराउंड, तो इवन इफ वी वर नाइट शूटिंग ही वाज मज़ा आया उसके साथ। टीना ने तो एक बार डांट दिया मुझे शोर करने के चक्कर में कि मत चिल्लाओ यार, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। हाँ, मैं तो सिर्फ खाने के। थैंकफुली आप परेशान नहीं हुए। हाँ, अरे सीन्स में मैं क्या सेट पे चिल्लाता रहा ना, हेलो ए चलो कम ऑन लेट्स डू दिस एक्साइटेड यस कैरी प्लीज, आराम से भी कर सकते हैं। ट्रू, ओके जैसे कि जब वेब सीरीज काफी बोल्ड तरीके की है तो क्या कैसा रहा, मतलब इसमें कुछ नहीं है वैसे, मतलब जैसे ड्रग्स के ऊपर है? अच्छा, वो जी तो इसलिए मैं काफी बोल्ड टॉपिक को उठाया। हां जी, बोल्ड तो क्या ही, अब तो देखिए ड्रग्स और ये सब तो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन गया है, अनफॉर्चुनेटली ना चाह के भी हम रोकना चाह रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं हम पर, क्या है कि जो टॉपिक है, जो रियल चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं आजकल यूथ के बीच में, तो उन्हीं को लेकर के आई थिंक हम ने ये स्टोरी बनाई है, शो बनाया, तो सब रियलिटी रखी है। बाकी बोल्डनेस तो क्या, वी आर सच बोल्ड पीपल यार, इज रायमा इज अंशुमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टू मोस्ट बोल्ड पीपल in the industry. Oh, you too. Yeah. Sunny, main na. Oh, really? What rubbish. I was doing a show with her and she was in love with me. I was in love with her. Oh, really? Yeah. Oh, mujhe, I didn't know. Yeah. Great. Okay, ye jo title hai love sleep repeat, matlab kaafi catch. Ji. To ye title ke bare mein thoda kuch bata chahiye. बताइए। तो ये तीन चीजें हम तो करते रहते हैं लाइफ में, लव स्लीप एंड रिपीट। सी, क्यों आए हैं हम इस दुनिया में बताइए सर? प्यार करने आए हैं, प्यार बांटने आए हैं। ये तो कैसेनोवा है वैसे भी, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। अब हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर भी प्यार बांटेंगे, लव करेंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे, फिर कल आएंगे, फिर रिपीट करेंगे। लव स्लीप रिपीट, लाइफ इज ऑल अबाउट लविंग sleeping and repeating. Okay, so Rama ji, you know 7th of November ko streaming hone wali love sleep repeat and aapka birthday bhi hai, kya kuch specific planning hone wali hai aapki? Nahi, main to ja rahi hu Calcutta to celebrate with my family and friends. Okay, so wahan pe bhi dikhane wale hain aap family member ko love? Haan, Z5 mein main zarur dikhaungi, definitely. 7th of November क्या करने वाले हो? मैं तो सर बैठ के सिर्फ binge watch करने वाला हूं love sleep repeat. I think आप भी वही करने वाले हैं, है ना? फिर से देखेंगे ना हम लोग साथ में, भी देखेंगे ना। अब अकेले अकेले आपने देख लिया है, हमारे साथ भी तो मैं देखता हूँ बिग बॉस, मेरी मम्मी क्योंकि बिग बॉस बिना छुट्टी के देखती है, बिना नागे के देखती है, सॉरी बिना किसी गैप के हर रोज देखती हैं वो, तो मैं भी जो है जब घर पे होता हूँ अगर उस समय पे तो मैं बिग बॉस देख रहा होता हूँ, बिग बॉस देखता रहता हूँ, मज़ा आता है। फेवरेट मैं इतना नहीं देखा है कि मैं बता सकूँ कौन फेवरेट है, एंटरटेनमेंट के लिए ऊपर से देख लिया है। आई थॉट यू लाइक्ड कोयना मित्रा, शी इज देयर दिस टाइम। मैंने लास्ट जो देखा था तब वो भाई की एंट्री हो रही थी, वो जो सलमान भाई को आके बोले तो डार्लिंग है अपना। हाँ, हिंदुस्तान भाव, वो लास्ट देखा था मैंने। नहीं, पर रिया देख रही है, मैं नहीं। वो आप लोग पसंद करेंगे बिग बॉस में जाके प्रमोशन करें आपकी ये लव रिपीट? प्रमोशन बाय नॉट, तो वेरी वेरी पॉपुलर शो, राइट? यस ऑफ कोर्स,
इट्स ऑल अबाउट प्रमोशंस. हम चाहते हैं पूरी दुनिया तक हमारा शो पहुंचे. हम बिग बॉस भी जाएंगे, वापस प्लिचला बुलाए, सब जगह जहां पर बुलाओ आप ले चलो बस हमें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. देखो मैं तो हटने नहीं वाला हूँ, लड़कियां आती जाएंगी. कल ही आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ. तभी हम ये स्क्रीनिंग पे आए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी हम अपना शो देखें. काम तो अच्छा हुआ है, बड़ा इंजॉय किया हम सब ने. सो या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा से होती है. जब भी कोई शो करो आप हमेशा यही उम्मीद करते हो कि सामने आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब तक काम चल रहा है तब तक रहती है. यही है बेस्ट, यही है बेस्ट, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट बॉन्डिंग, बेस्ट सीन्स, बहुत मजे किए हमने. बाकी केमिस्ट्री आपने देखी ली होगी है ना. नहीं 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 नहीं, वो टीना भाग गई ना, उसने डाँटा था मुझे. अरे मैं शोर करता हूँ थोड़ा ज़्यादा सेट पे, मेरे को डांट दिया एक दिन. कहती कि अरे प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ यार अंशुमन, मतलब तुम्हारा चलता होगा शोर करना, हम लोग को नहीं चलता है. मैंने कहा ठीक है ओके सॉरी टीना. टीना मैम चला, हम लोग चलते थे 12-12 घंटे चलते थे, चल चल के काम किया हमने इतना सारा, चल चल के पंचगिनी गए, पंचगिनी से नहीं 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 अफेयर कहाँ. मम्मी है मेरी यहाँ पर. कहाँ है आंटी? वो सुन रही होंगी ये सवाल तो आ जाएंगी तुरंत जवाब देने के लिए. उनको पता मैं कैसे न हुआ हूँ, उनको पता होता था अगर तो क्या ही बात थी. कुछ नहीं, आपने हमेशा हम लोगों को प्यार दिया हमारे जितने भी शोज किए. प्लीज लव स्लीप रिपीट देखिए और हमें उतना ही प्यार दीजिएगा. थैंक यू. Yes. Thank you so thank much. Thank you. Thank you. हाँ जी. बहुत अच्छा था डेब्यू है, ऑब्वियसली इट्स बिग. काम करने में बहुत मज़ा आया. हम बहुत घूमे, इट वॉज़ इन वाइल्ड पंचकनी, महाबलेश्वर, पुणे. बहुत एक्साइटिंग था और लेट्स सी कैसा है, मैंने अभी तक देखा नहीं. आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट. I've only worked with Anshuman. मतलब I've just shared the screen with him. बाकी सब बहुत अच्छा है, even Anshuman is so good at it. Love, sleep, repeat. आप इसमें से आप सबसे ज़्यादा किसमें believe करते? Sleep. Sleep. Any particular reason? मैं बहुत सोती हूँ इसीलिए. हाँ वो तो है. मतलब लोग मेरा favorite आता है. Correct. बहुत ही खूबसूरत है. Okay अगर नहीं मतलब बहुत ज़्यादा खाओ पियो वर्कआउट करो, दैट्स इट व्हाट यू डू. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इट वाज सुपर. आई वर्कड विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज द एक्सपीरियंस व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्टेड एंड इट वेंट रियली वेल. तो देखेंगे अब कैसा हमारा काम निकलता है. आई होप आपको पसंद आया हो. आपका ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे लव स्लीप रिपीट आप ज़रूर देखिए. वेब सीरीज सॉन्ग्स डेफिनेटली डेफिनेटली हम आप ज़रूर देखेंगे. थैंक यू, थैंक यू सर. सर
यार आई एम एक्साइटेड यस फॉर द टाइटल एज वेल बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर देयर एंड यू नो रश्मि शर्मा इज प्रोड्यूसिंग इट आई वर्क विद दैट लेडी फॉर 6 years एंड शी इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द टीवी इंडस्ट्री शो गेटिंग इन टू वेब नाउ सो यू नो एक्साइटेड फॉर हर एज वेल फॉर पवन सर एज वेल and lot of friends Reema and Raima Shruti Priyal they are all our friends. So it's going to be like a small reunion hi khelo ha you know so trailer dekha aap logon ne nahi yaar maine trailer maine to nahi maine dekha so bataiye ki sab kya acha laga aap logo trailer mein I think you know badi freshness hai all the characters are so different you know Raima's character Priyal and everybody else also itne different characters hai and that guy he's so confused in his life and I think it'll be a fun thing to watch bada hi maza aane wala hai ye jankar ki eventually usko kisse pyar hota hai who he lands up with so let's see I just have a question to Rashmi ma'am that why didn't you cast me in this because only a guy with so many girls man this is something I would love to do so please consider me next time okay so love sleep happy tino mein se aap log kis mein zyada believe karte hain usse karte hain love Love, sleep. Sleep, repeat. I think all of it. All of it, yeah. Love is very important. Sleep is extremely important. And then repeat it. And then repeat it, yeah. So finally, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग अपने All the best, guys. All the best. अभी जो आने वाले आपका upcoming project को लेकर मेरे upcoming project को लेकर नहीं यार अभी तो मैं इनके इनको wishes देना चाहूँगा that TV का बड़ा show कर रहे हैं नहीं यार मैं कुछ ऐसा नहीं हुआ कुछ कॉन्क्रीट ऐसा नहीं है जो मैं अभी बोल सकूं आप लोगों को बट यस डेफिनेटली विल अनाउंस समथिंग सून थैंक यू मी वही कहा कि जब तक कुछ जब टाइम आएगा तब बात करेंगे आज तो इनके लिए हम बेस्ट विशेस देने आए हैं लव स्लीप रिपीट की एंटायर टीम को हमारी तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट विशेस एंड लेट्स hope that it's a hit lekin agar hum baat kare Mahira she's doing very well in the big boss kai log usko taana hi na de rahe lekin kafi acha khel rahi hai yaar friendship nibha rahi hai यार कुछ भी कहो शी वो पहला फाइनल था ना फर्स्ट फाइनल शी क्लियर्ड इट फर्स्ट फिनाले वो क्लियर करके पहुंच गई एंड ठीक है अच्छा शी इज प्लेइंग अ गुड गेम यार ऑल द बेस्ट क्या लगता है कि लोग उनको बहुत ताना दे रहे हैं आरती बहुत ताना दे रही है उनको यू नो पता है क्या होता है जब आप बिग बॉस हाउस में जाते हैं नहीं यू नो इन रियल लाइफ दे आर बोथ वेरी डिफरेंट यू नो ये तो गेम है बिग बॉस है एंड दे हैव टू प्ले यू नो दे हैव टू गो ओवर द फ्लो सो you know they're doing you know whatever they think is the best or real life mein wo log aise nahi hai they're very nice women so our best wishes are with them okay all the best aur shraddha ma'am najbali se matlab kafi disappointment hua aap log matlab jis tarah se yeah of course yeah means she was one of the most you know strong contender yeah, to win the yeah such good dancers yeah but yes we all know that she's a very good dancer and she did a fabulous job and I'm happy for her but not happy that she's out yeah. before finale but the yes, game is yes, a game yeah, so yeah. you have to take it with a pinch of salt but we're very proud of her yeah Thank you.
work with Zee5. I know. I need 5 minutes. Okay, ma'am, aapne trailer dekha hoga, kitna maza aaya aapko love. It's a very interesting trailer and I can promise you ki show bahut interesting hai. As you know, there are 6 girls and there is one guy. So anyways, that is very interesting for any viewer to watch. And it's as you guys know, it's an adaptation from 7 Days Without You. So we have tried to create something similar, but it's not really like a copy or something like an imitation. It's very fresh. And Abhishek sir, the director, has done a fabulous job, because I feel like every scene has been just written out very well and executed very well. Like, there's a punch in everything. You'll definitely enjoy watching it, because we had a lot of fun shooting it. So yeah, that's all I can say. Thank you. I'm wearing a suit by Alicia W, and she's my friend and designer from Delhi. I'm playing Richa's character, and I happened to meet Anshuman in his office, so I'm like his colleague, come co-worker. इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, because you guys have to watch the show. Thank you. देखिए, लव स्लीप रिपीट का ट्रेलर देखकर तो बहुत मज़ा आया, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें अपने आप को देखकर और अपने कैरेक्टर को देखकर. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा उसमें. इट्स कॉल्ड, माय कैरेक्टर नेम इज़ हर्षा, एंड हर्षा इज़ अ बैड बॉय. तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा अभी. प्लीज़ गो एंड वॉच लव स्लीप रिपीट एंड एन्जॉय द शो, इट इज़ अमेजिंग. आई थिंक मुझे पुनीश ने जितना बताया और जितना मैंने देखा है क्लिप्स जो आपने नहीं देखी है, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट कैरेक्टर मिला है बैड बॉय का, बिकॉज वही सूट करता है ना, जब से हम देख रहे हैं शो में. सो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है. आज स्क्रीनिंग देखने आई हूँ, एंड 7th को रिलीज़ हो रही है वेब सीरीज. आई होप यू ऑल वॉच इट. I'm sexy and I know it. Yeah, देखिए नई वेब सीरीज उसी के लिए चेंज किया. देखो, हमारी वेब सीरीज एक फिल्म की तरह ही शूट हुई है, तो ये किसी फिल्म से कम नहीं है. ये OTT प्लेटफॉर्म पे है, पर एक तरीके की फिल्म ही है ये. और ये फिलहाल तो मेरा लुक मेरे नया नहीं, एक साल से मैं TV शो कर रहा हूँ. हमारे शो ने लीप ली है, तो नए कैरेक्टर का नया लुक है ये. So I'll have to maintain this. So that is what's happening. Big Boss काफी धमाल मचा रहा है, एक फिनाले भी हुआ है. मैम, आपको कोई फेवरेट है कि नहीं इस समय? मुझे इस बार ही सभी पसंद आ रहे हैं. ये शो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, यू नो, डे बाय डे. ट्रू. हाँ, तो एक को फेवरेट तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज कल ही बहुत सारे लोग आए हैं नए, और वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं. सो आई थिंक लेट्स वीक वेट फॉर 1 week मोर. मैं रश्मि को नहीं चाहती थी कि वो जाए. हम दोनों ही नहीं चाहते रश्मि जाए. वो हमारी स्वीट पर्सन एंड अ गुड फ्रेंड, तो वी डिडंट वांट कि वो जाए, बट आई थिंक वो वापस आएगी. वी आर होपिंग. यस, एंड बिग बॉस दिस टाइम, बिग बॉस इज ऑल अबाउट पारस एंड पारस वर्सेस सिद्धार्थ. तो यही चलता रहेगा, और लास्ट में आई थिंक सिद्धार्थ द टाइगर इज गोना विन द शो. अभी टॉपिक फिलहाल चेंज तो हुआ है. हां, लेट्स टॉक अबाउट लव स्लीप रिपीट गाइस, बिकॉज़ इट्स डन एंड ओवर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, आज स्पेशली सबको 7 की शिफ्ट लगाई गई थी, अर्ली कॉल टाइम. तो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग डे एंड अ वेरी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम नायगांव, बट फाइनली फॉर लव स्लीप एंड रिपीट वी हैव रीच्ड डियर, आई हैव रीच्ड डियर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द स्क्रीनिंग. किसकी कैरेक्टर को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटमेंट है? ऑनेस्टली आई एम बायस्ड डियर. पुनीश इज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज इन माई शो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिज कैरेक्टर. I think it's a very, very like
tough competition happening, lots and lots of web series happening. So Love, Sleep and Repeat is something which was really exciting when I saw the trailer. So I am looking forward to it. It looked really, really promising. बहुत ज़्यादा क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू वाइब एंड एनर्जी टू द शो. दोज टू किड्स आर फुल ऑफ लाइक गुड वाइब्स एंड सडनली देर इज दिस गश ऑफ एनर्जी ऑन द सेट. सो आई थिंक इट्स रियली रियली नाइस. यही कहना चाहूँगी कि लीप के बाद भी मुस्कान का शो देखते रहिए और ज़्यादा मुस्कुराते रहिए क्योंकि अब तो आपके पास और ज़्यादा रीजंस है. क्यूटनेस इज़ ओवरलोडिंग विथ रोशनी एंड खुशी. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मुस्कान एंड प्लीज़ सी प्लीज़ कीप फॉलोइंग लव स्लीप एंड रिपीट. थैंक यू सो मच. नाइस लव स्लीप रिपीट वेरी डिफरेंट. रश्मि जी हैज़ ऑलवेज मेड सम डिफरेंट शोज टिल नाउ एंड ऑन टेलीविजन. So I'm expecting this to be absolutely Rashmi Sharma kind of a branding and the product. I think it should be fun watching this and that's why I'm here. And I think I'm looking forward to a great evening today. OTT platform का आप कैसे रिटेन करना चाहता है? वेब सीरीज जा रही है मोर एंड मोर एक्टर्स आर डूइंग उसको लेके आप क्या लोगे? I think OTT platform is the future now. I mean, web series is the future. This is web series have very brilliantly, nicely filled a gap between films and TV. The qualities of films, but it's like a series, so it's very much like television. The quality is super high, and I think web series is here to stay. It's growing at a 13-14% a year, which is going to increase. And next 5 years, I think web series is the only thing that will happen. Thank you. Oh yes, I did see it or kafi entertaining and colorful lag raha hai and we are hoping that it does really really well. Especially the name Love, Sleep, Repeat. She sleeps a lot, repeats a lot. And I love a lot. And I love a lot. I love a lot. So yeah, it's pretty relatable. So yeah. Okay, ma'am, Shakti also doing very well. 8 बजे के टाइम पर हाँ सोमवार से शुक्रवार और कलर्स पर लेट्स बी प्रिसाइज. यस काफी अच्छा कर रहा है. थैंक यू. उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? I always believe it's easy to be successful, it's difficult to be consistent, and I'm really grateful, of course, by the grace of God that we are really being consistent, and it requires a lot of great team effort jo hamari puri team karti hai, and it requires a great support system which I have, and I'm doing well just because of that. Yes, yes, yes. हाँ सुबह उठ के मैं खाना बनाता हूँ. Then I call the lift. Yes, yes, he's being honest, huh? There is no sarcasm behind it. Actually, it's the other way. She makes food for me. Okay, इतनी beautiful आपकी जो chemistry निकल के आ रही थी, इनका क्या राज है? मतलब आप लोग मतलब इतने अच्छे. वो chemistry अच्छी है इसीलिए तो साथ में. One in the South Pole, so you know. Yeah, yeah, yeah. Opposites attract. We learnt it in physics, so yeah. मैंने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा ना. पहला एपिसोड देखा था हमने. यस यस यस. ओके सॉरी नो अपडेट्स. नो क्लू. नो अपडेट्स. सॉरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. नाम तो ये और ये मेरा बिल्कुल जॉनर है. आई लव दिस काइंड ऑफ शोज. ढूंढती रहती हूँ मैं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि रश्मि जी ने ये शो बना दिया. मेरे तो रोज का कार्यक्रम ही है. मैं बहुत सोता हूँ. इसमें ईट भी डाल दो तो शरद के लिए परफेक्ट हो जाएगा. ईट लव स्लीप ईट रिपीट. किसके कैरेक्टर को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है? कहाँ के पोस्टर? काफी लोग हैं यार. मतलब सभी तो नो नहीं है. ये तो अभी देखेंगे. देखने दो यार. शो देखेंगे फिर पता चलेगा ना किसका एक्चुअली कैरेक्टर कैसे निकल गया. रियल है. उसके लिए विल हैव टू वॉच इट. यू गाइस आल्सो वॉच इट. ओके वेब सीरीज को लेके आप कितने एक्साइटमेंट है? आप तो बहुत सारे मराठी फिल्म भी करते हैं. अगली मेरी आ रही है Z5 पे. देखिएगा. बताइए 20 दिसंबर को आएगी रंगबाज फिर से. देखिएगा. और मैम आप कुछ बताना चाहेंगे?
20 दिसंबर को आ रहा है रंगबाज फिर से तो आप लोग जरूर देखें एंड आज को मतलब आई लव वाचिंग वेब सीरीज बाकी घर आप सब लोग फ्री हो के हाउसफुल देखने जाइए हां हाउसफुल बोल जिसने नहीं देखे प्लीज वॉच जी जाके देख लीजिए 150 करोड़ भी हो चुका है 150 It's not dropping much. The second week we collected a humongous amount which never been done. So I'm very happy with the results of Hostel 4. How was the experience working with big cast like Akshay Kumar and other talent? Obviously, I worked with Ritesh sir earlier. Bobby is a friend. With Akshay sir obviously for the first time and he's a gem of a person. Bahut kuch seekhne ko mila unse. And hopefully, aage bhi kuch karenge zaroor. हाउसफुल 4 देखने जाइए वो देख के जब तक आएंगे तब तक एक ट्रेलर आएगा 19 तारीख को ताना जी का वो देखिएगा और उसके बाद फिर रंगबाज फिर से देखिएगा मतलब मैं आपसे मिलता रहूंगा बहुत अभी थैंक यू देखिए लोग मुझे बहुत बढ़िया लगा जब मैंने ये टाइटल देखा था तब इसका प्रोमो लॉन्च हुआ था और मैंने टाइटल देखा और मुझे टाइटल ही इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने देखा कि ये एक्चुअली है क्या सो बहुत अच्छा है और शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम के साथ प्रोडक्शन के साथ सबके साथ Z5 के साथ सो इसलिए ही उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई हूँ वेब सीरीज़ एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ हो गई है आप ट्रैवल कर रहे हैं आप अगर शूट पे हैं आप बोर हो रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं आपको घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए मैं खुद भी इतनी ज़्यादा मुझे भी आदत हो गई है इन सारी चीज़ों की और इतने अच्छे अच्छे बढ़िया वेब सीरीज़ बन रहे हैं नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सो इट इज़ वेरी गुड वेब सीरीज़ की अपनी एक अलग ऑडियंस है टीवी की अपनी एक अलग ऑडियंस है मैं ये नहीं करूँगी ओ वेब सीरीज़ अब बेटर देन टेलीविजन नो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है बट इट इज़ गुड इट इज़ नाइस कि नई नई चीज़ें हो रही हैं नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जा रही है और बहुत अच्छा है ऑडियंस इसे एक्सेप्ट भी कर रही है सो इट इज़ वेरी गुड नहीं नहीं एक 8 बजे होने के बावजूद का क्या मतलब है सर 8 o'clock इज़ अ वेरी गुड टाइम स्लॉट इट्स अ प्राइम टाइम एंड चलो एनीवेज ये तो मजाक ही था आपका था या मेरा था मुझे पता नहीं लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि 3.5 साल हो चुके हैं हमें 3.5 साल के ऊपर हो चुका है और जनता का अब भी प्यार मिल रहा है और अच्छा चल रहा है शो लोगों ने एक्सेप्ट किया है यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं अभी भी मैं 7 to 7 शूट करके फिर यहाँ पर आई हूँ सो वी वर्क वेरी हार्ड तो बिग बॉस की बात करना ज़रूरी है यहाँ पे यहाँ तो जी बोलिए देखो हर साल बिग बॉस जब भी आता है मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मेरा फेवरेट शो है ये मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस शो की और क्योंकि मैं अंदर भी रह चुकी हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ तो इस साल शुरुआत में काफ़ी ठंडा था एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही लड़ाई झगड़ा बहुत ही हाथापाई बहुत ही अग्रेशन हो रहा था उन सारे एक्टर्स को ऐसे देखकर जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं जिन्हें जनता जानती है जिनके इतने फॉलोअर्स हैं उनको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लड़ रहे हैं वो हाथापाई कर रहे थे अब ये तो हमें पता नहीं ना कि वो सीक्रेट रूम में गए हैं या फिर वो अपने घर के रूम में चले गए हैं
ये हमें पता नहीं, हमें पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीक्रेट रूम में गए होते तो अब तक पता चल जाता। सीक्रेट रूम वालों को इतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखा जाता तो तब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट आए हैं थोड़ा एंटरटेनिंग हो गया है। शहनाज थी पहले सिर्फ, अब जो हिंदुस्तानी भाव है वो मुझे एंटरटेनिंग लग रहे हैं। वो जब आए थे तब भी मुझे लग रहा था कि बहुत मज़ा आएगा और आ रहा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ लड़ाई किसी को नहीं मज़ा आता। मैं हंसते हंसते गिर गई थी इस लाइन पे। हालांकि मैं इस बात से नहीं अग्री करती कि जहां वजन वहां भजन, आरती नहीं करती, ये कोई और करता था, लेकिन आरती नहीं करती। अगर आरती करती होती तो उसका ये स्टेटस नहीं होता। हालांकि बची हुई है, अब कैप्टन भी बन गई। ऐसा होता तो इतने लोग आरती को नॉमिनेट नहीं करते ये कह के कि वो लायक नहीं है शो में रहने के। वो तो बिग बॉस की गेम ऐसी चल गई कि वो कैप्टन बन गई। लेकिन इस बात से मैं थोड़ा अग्री नहीं, हालांकि लाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन आरती के लिए ये नहीं है ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एब्सोल्युटली बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बिकॉज कि जिनके साथ हमने काम किया है, जो हमारा ऑलमोस्ट यू कैन से इन हाउस प्रोड्यूसर है हमारी, क्योंकि आई हैव डन टू शोज़ विथ हर, रश्मि शर्मा, तो उनका एक नया वेंचर है। शी इज़ ऑल्सो वेंचरिंग इन टू वेब वर्ल्ड, सो क्वाइट क्वाइट एक्साइटेड क्वाइट। सी अभी तो वेब वर्ल्ड आ गया है, तो ये तो मतलब सी एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू यू नो न्यू शोज एंड ऑल, तो मैं भी काफ़ी उसमें हूँ। बट जस्ट बिकॉज कि अपना रोज़ का डेली सोप में काम कर करके लेट नाइट्स आके देखना होता नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी यू नो गुड प्लेटफॉर्म कि आप वेब वर्ल्ड में, एंड बिकॉज कि इनका है तो ये एक भी रहता है कि मुझे ऐसे कोई जलन वलन नहीं हुई, बट टू वॉच द ट्रेलर आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। और ऐसा लग रहा था कि जब उसको एलैबोरेटली दिखाया जाएगा सीरीज में एपिसोड वाइज तो वो कैसा होगा। सो या मतलब एलैबोरेटली क्या देखना है? Shut up, ऐसा नहीं। It will be fun. मतलब लड़की के साथ वो कैसा रहेगा? Exactly, that was my clear हुआ। अब मुझे clear हुआ। उसके साथ लड़की आई कैसे? हाँ, कैसे आई? नहीं नहीं। ये girl की बात करें, love, sleep, repeat, काफी अनोखा है। Love भी करो, sleep भी करो। And repeating the same girl? मतलब थोड़ा no not same। टाइटल के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा, हाँ, यार ये सिंपल सी बात है ना कि लव किया फिर सो गया फिर उठा फिर लव किया, तो ये वो लड़का है जो सिर्फ प्यार की बातें करता है, प्यार की भाषा जानता है, सिर्फ प्यार की बातें करता है और सो जाता है और फिर प्यार करता है, प्यार करता है, स्लीप एंड रिपीट, बातें करेगा तभी तो प्यार होगा। मतलब लव स्लीपिंग विद द सेम गर्ल एंड बाकी छह लड़के दिमाग में, देखो यहां पे ही लड़कियां इतनी चेंज हो रही हैं, बाकी लड़के दिमाग में बेकूफ। अच्छा दिमाग में है, मैंने सुना है जो दिमाग में होता है वो असलियत में हो जाता है आगे आकर, बाकी और इनसे बातें करते रहो। हाँ, इसके अलावा आपसे पूछना चाहूंगा कुछ, ऑल द बेस्ट बोलो सब। अगर आप देख रहे होगे तो बिग बॉस नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं देख रही। डू यू वॉच कुंजम कुंजम? कुंजम कुंजम सवाल पूछो फिर इफ यू वांट टू। आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यार ये कहेंगे कि हम लव स्लीप रिपीट के प्रीमियर पे आए हैं, स्क्रीनिंग पे आए हैं, तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए Z5 पे एंड वॉच द सीरीज़। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, मज़ा आएगा, सो बिंज वॉच द होल सीरीज। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।
बहुत एक्साइटेड है. रश्मि मैम का पहला वेब सीरीज है. सो ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज देयर फॉर हर एंड आवर बेस्ट विशेस ऑलवेज फॉर हर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हाँ, जैसा अदा ने कहा कि उनका पहला वेब सीरीज़ है और वी रियली वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या है जो उन्होंने बनाया है. तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. ओके, इसके अलावा आपने ट्रेलर देखा होगा, इस ट्रेलर में काफ़ी एक लड़का है, कई सारी लड़की है. तो क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटमेंट में आप देखकर ट्रेलर को? सी आई डोंट नो, ट्रेलर से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज आई एम श्योर द स्टोरी कुछ अलग ही होगी. सो ट्रेलर से बेटर मैं वेब सीरीज देखकर ही बताऊं कि कैसा लगा मुझे. आई मिस्ड आउट ऑन द ट्रेलर, तो मैं अंदर डायरेक्टली मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सी उसमें हमेशा सस्पेंस रहता है, आपको पता है, और वो सस्पेंस कभी खुलता नहीं है. सो उस चीज़ को सस्पेंस ही रहने दो क्योंकि वो हमारे लिए भी सस्पेंस ही है. तो क्या लगता है कितना धमाल हुआ कि नागिन थ्री बहुत हिट हुआ था, तो नंबर 1 हिट हुआ था काफ़ी, तो 4 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एकता जी क्या करने वाली है? देखो, एकता जी जब भी कुछ करती है धमाल ही करती है, सो आई एम श्योर वो भी धमाल ही होगा. सो लेट्स वेट एंड वॉच, आई एम श्योर इट्स गोना बी ग्रेट. नागिन हैज ऑलवेज बीन अ हिट. या सो आई थिंक आप कभी अगर आपको मौका मिले नागिन मुझे काफी क्लोज एक मौका मिल चुका है सितारा में भी. मुझे काफी क्लोज एक्सपीरियंस हो चुका है. तो हां, ये सुपरनैचुरल सितारा में भी ही वाज लाइक क्या हो रहा है यार, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है. तो मैं एक बार हिल चुका हूं, तो मैं तैयार हूं, वैसे मैं प्रिपेयर्ड हूं अभी. यस एब्सोल्युटली. आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे फैंस को कहेंगे थैंक यू वेरी मच, एंड ऑफ कोर्स मेरे और अरहान की तरफ से थैंक यू वेरी मच. जो आप लोग अभी तक सितारा और विराज को सिराज को आप लोग पसंद करते हैं, दे मेक वीडियोस एंड एवरीथिंग. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू वेरी मच टू, एंड वी वॉच देम ऑल. या एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. या थैंक्स फॉर द लव गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. हाँ जी 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 बिल्कुल. देखिए, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि पहली बात तो ये है कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की डेब्यू है वेब सीरीज़ जॉनर में. और आजकल जो वेब सीरीज़ का जो नया दौर स्टार्ट हुआ है, सब लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहे हैं. और अच्छा लगता है कि परिवार जो है, रश्मि शर्मा पवन जी जो है परिवार जैसे हैं. और वो जब टीवी में उन्होंने इतना कमाल का काम किया है, फिल्में इतनी कमाल की उन्होंने बनाई हैं, तो जब फाइनली वो वेब सीरीज़ में उतरे हैं तो आई एम श्योर वो भी बहुत कमाल की होगी. और रिप्सी जो है, हम लोग बहुत वेब सीरीज़ देखते हैं पर्सनली, तो अभी हमें पर्सनली बहुत मन कर रहा है कि इनकी जो पहली जो वेब सीरीज़ है लव स्लीप रिपीट, नाम बहुत एक्साइटिंग है. यूजुअली क्या है, व्हाट्स द टैगलाइन टू इट, ईट स्लीप रिपीट होता है, ईट स्लीप रिपीट या वर्क स्लीप रिपीट. ये लव स्लीप रिपीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम होपिंग कि जितना इंटरेस्टिंग टाइटल है उतनी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ भी हो. और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है. तो डेफिनेटली, और आज रिप्सी भी मेरे साथ आई हैं, उनको भी बहुत मन था देखने का. और बस देखते हैं अभी. यू वॉच लॉट वेब सीरीज, तो आई एम श्योर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. या एक्चुअली यहाँ पे कम. ओके, फॉर मी आई हैवन्ट सीन द ट्रेलर एज येट, बट as he said the title is so exciting that we've read books like Eat, Pray, Love and all of that, but this sounds interesting. I'm looking forward to what's going to be in store. Ji ji le chuka hai ha bhaiya, tum 6 saal ho chuke hain tumhare, aur kaun sa leap le, the babies have come, leap ho chuka hai, bachche bahut pyare hain, aur ab kaun sa leap le, 20 saal ka kaisa chal raha hai, matlab thoda kuch batayenge aap. Bahut acha chal raha hai, abhi leap hua hai और बच्चे बहुत प्यारे हैं और उतने प्यारे रहें हमेशा, ये उम्मीद है. और बच्चों के हम भी प्यारे लगें. जोक्स अपार्ट, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं. आई थिंक हमारे देश में इतना टैलेंट है वो बच्चों के रूप में हमें दिखता है. जो इनोसेंस है, आई थिंक वो उन्होंने इतना काम किया बच्चों ने, बट आई थिंक दिस स्टिल कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इनोसेंस को मेंटेन किया है. बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं और बहुत क्यूट बच्चे हैं और बहुत प्रोफेशनल बच्चे हैं. सो आई थिंक विच इज़ वेरी गुड, एंड आई एम श्योर
रिप्सी को कभी ना कभी टाइम मिलता है देखने का, यूजुअली अपने काम में बिजी होती हैं, बट इन्होंने जब बच्चों को देखा, जब इन्होंने प्रोमो देखा तो उनको प्रोमो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है जब अपने ही लोग आपके काम को मतलब अप्रिशिएट करते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो बस उम्मीद है कि लीप हुआ है 6 सालों का, वो लीप सबके लिए अच्छा रहे और पूरे शो के लिए अच्छा रहे। आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए, मैम कुछ कहना चाहेंगे मुस्कान के रिलेटेड, लोगों को देखिए कि हाल ही में करवा चौथ का भी हुआ था, जो विजुअल्स आए थे करवा चौथ वो लोग बहुत ही पसंद किए फैंस लोगों ने, आप दोनों की तस्वीरें जिस तरह से जी, तो फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब बहुत पसंद आए, सोशल मीडिया पे काफी बात हो रही थी जी, प्रिटी कपल आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच जी, बिल्कुल वी कीप गेटिंग एडिट्स एंड VMs every day, all day long, and I think कहीं ना कहीं आई थिंक रिप्सी भी इंजॉय करती हैं जब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और चूंकि इंडस्ट्री से नहीं है तो थोड़ा समय लगता है समझने में, अब तो इंडस्ट्री से हो गए, खास करके तू इतने सवाल पूछ, अब तो हो ही गई हैं, और अच्छा लगता है कि अपना, जैसे खैर आप लोग तो मेरे परिवार ही हैं, बट चूंकि आप लोग ने रिप्सी को भी एक्सेप्ट किया है तो अच्छा लगता है, एक बहुत होमली फैमिली फीलिंग आती है। थैंक यू देखा है, हाँ एपिसोड देखा है, I love how he says it, so cute. पसंद आ गया आपको? बस यही कहूँगा कि it's very youth based, you know, youth को बहुत पसंद आएगा, millennials जो है जो आज की तारीख में, उनको बहुत मज़ा आएगा, because it's about them, उनकी कहानियाँ हैं, यू नो जब आप बड़े हो जाते हो, यू नो व्हेन यू मूव फ्रॉम बीइंग अ टीनेजर टू अ मैन, तो वो जो राह आप तय करते हैं वो कैसा होता है, तो इट्स ऑल अबाउट दोज थिंग्स जो यू नो जो वेरी रिलेटेबल है, जो हमारे जो यू नो ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, तो इट्स वेरी स्वीट, फनी, इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली फॉर द मिलेनियल्स। फर्स्ट एपिसोड देखा हाँ, नहीं थर्ड एपिसोड में उनके दर्शन, मैं थर्ड में हूँ। आपको देख के बोलूँ, एक्चुअली बहुत अच्छा है जो टेरेंस ने कहा, इट्स अ शो फॉर मिलेनियल्स, और एक्चुअली व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई वेंट बैक अ लिटिल बिट इन टाइम, जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज किड्स के लिए है, और यू एक्चुअली थिंक ऑफ ऑल द जो भी हमने स्टूपिड हरकतें, इनोसेंट स्टूपिड हरकतें की होती हैं कॉलेज में, वो याद आती हैं, और यू लुक बैक एंड आई एम लाइक शिट यार, कॉलेज में ऐसे हम बेवकूफ़ हरकतें करते थे, सो इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स लाइक प्यार का पंचनामा, वैसा वाला है, वो वाला फील है, इट्स वेरी रिलेटेबल, एंड देन यू लुक एट इट एंड यू ऑल्सो थिंक कि यार शिट लाइफ में थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा मच्योर हो गए हैं, ये सब हरकतें पीछे छोड़, मैं भी बच्चा हूँ दिल से तो बच्चे हैं, पर दाढ़ी वाइट हो गई लेकिन फिर भी दिल बच्चा है, दिल तो बच्चा है, पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोली थी कि अब जैसे इतना किसी के लिए इतना गलेबल नहीं है, इतना किसी के लिए अभी इतना इजी नहीं है कि हमें किसी इतना कुछ चीट करे या स्कैम करे, वो बचपन में ये सब कॉलेज वगैरह में बहुत हुआ है, लोग बहुत चीट करते हैं, इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं, तो अब थोड़ा लगता है कि शायद अब थोड़ा सेंसिबल हो गए हैं, काफ़ी स्माइल दे रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं वो एक दौर आता है जब आप यू नो वो लाइफ यू मूव ऑन, एक फेज़ आ जाता है, आप वो फेज़ में कर लेते हो, बट आफ्टर अ पॉइंट यू फील किया ये हो गया, देख लिया, फील कर लिया, समझ लिया, अब इससे आगे जाना है, एंड वी ऑल गो अहेड, आई थिंक नोबडी वेट्स, जो स्टक हो जाते हैं उनके लिए मैं बुरा फील करता हूँ, बिकॉज हर टाइम के साथ बदलना चाहिए, एज के साथ बदलना चाहिए, आप जिंदा तरी रख सकते हो, यू कैन दिल में बच्चा होना बहुत जरूरी है लेकिन बचपना नहीं होना चाहिए, yeah. वो अलग बात है, तो इट्स सेम थिंग, या आपसे जिस तरीके से आपने बोला लव स्लीप रिपीट, मतलब आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मैं वो थॉट बबल देखना चाहता हूँ कि क्या आपने सोचा था उसके बारे में, बताएंगे कुछ आपका क्या आंसर है? लव स्लीप रिपीट, इसमें से दो ही चॉइस है ना, लव एंड स्लीप, लव के साथ स्लीप करो तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। हाँ। That's cute.
आई फील लाइक यार ये बहुत अच्छा है लव स्लीप रिपीट, इसमें अगर ईट भी डाल दें बीच में कहीं, आई लव ईटिंग सो लव के साथ ईट एंड स्लीप या आई डोंट नो एंड रिपीट. आने वाले दिनों में यू नो हम आपको भी ऐसी सीरीज में देखेंगे ऐसे? हां होपफुली ही इज डायरेक्टिंग समथिंग. ओह नहीं नहीं बता दीजिए ड्रामर क्या होगा उसके बाद. नहीं नहीं यू नो खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फ़र्क होता है, तो जब तक वो होता नहीं है ना चुपचाप बैठो, जब होगा अपने आप वो आ जाएगा. एंड या अब वो पक रहा है, पकने दो उसे, फिर वो अपने आप उसका एक रस अपने आप वो सामने आ जाएगा जो भी है. पकेंगे लेकिन पकाएंगे नहीं. जॉनर इज ड्रामा, इट्स अ डांस, इट्स अ डांस ड्रामा, डांस ड्रामा, लेकिन बहुत ही रिश्तों के बारे में, गहरे रिश्तों के बारे में. बहुत सारे लाइफ में हम सिचुएशंस में जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि क्यों हम रिपीट करते हैं हमारे पैटर्न्स, जो हमारे जो रिश्ते होते हैं हम शायद उनकी सिर्फ नाम और यू नो फेस बदल जाते हैं, लेकिन वही पर्सनालिटी फिर से हमारी ज़िंदगी में आती है. कहीं ना कहीं हम रिपीट करते रहते हैं और जब तक हम वो पैटर्न को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई नया नहीं आएगा. सो इट्स अबाउट ब्रेकिंग पैटर्न्स. बचपन में जो हुआ, जो जो कड़वाहट शायद रह गई है, वो आज की तारीख में हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एक कैंसर बन के हमारे रिश्ते को खा रही है, तो वो क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी. तो इट्स ऑल अबाउट ऑल ऑफ दैट. सो इट्स थोड़ा डीप, थोड़ा इंटेंस. हाँ बहुत इंटेंस है. देखा ब्रेकिंग न्यूज़, यू हर्ड इट फर्स्ट हियर. और ये डांस के माध्यम से बोला जाएगा, लेकिन डांस के माध्यम से अलग माध्यम से बोला जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ऐसी फिल्म बनाऊँ डांस के साथ जहाँ पे लव्स ही ना हो, लव्स बिना लिरिक्स के, सिर्फ डांस के ज़रिए वो जो बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए. तो वो कोशिश है, देखते हैं कैसा चलता है. आई विश कि जल्दी हमारी थाली में वो पक कर आएगा. एंड टीना जी आई थिंक स्ट्रीमिंग होने वाला है 8th ऑफ नवंबर को, पर कल से आई थिंक. हां परसों. हां परसों. हां क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आपकी सीरीज? I just want people to see the show. Please subscribe to Z5. 100 रुपये लगेंगे सिर्फ. 100 रुपये का है सब्सक्रिप्शन. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच आर शो लव स्लीप रिपीट. एंड प्लीज़ लेट अस नो वॉट यू थिंक. आई होप पसंद करेंगे लोग. एटलीस्ट यंगस्टर्स बहुत पसंद करेंगे और आई होप बहुत हिट हो. एंड वॉच आउट फॉर दिस फटाका. है वो. तो एक आखिरी सवाल है, इंडियन रियलिटी शो में काफी फिक्सिंग हो रही है. अच्छा डांस होना चाहिए, वहां डांसिंग वहां पे मतलब करतब कंट्रोवर्सी क्रिएट. ओ कंट्रोवर्सी हो रही है. अच्छा उसको लेके आप क्या कहना है? ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है टीआरपी के लिए. शुक्र है वो शोज मैं नहीं करता. हमारे जो शोज हैं वो बहुत ही क्लीन होते हैं. कम ना गेट अ पिक्चर. लेकिन आप क्या कहना मतलब? ओप्स सॉरी या गेट इन द मिडिल एक रायमोसी का पिक्चर और कम. वेल या मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मैं चैनल नहीं हूँ, मैं टीवी नहीं हूँ, मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता. जो भी शोज मैंने किए हैं अगर वो बंदा हारा भी है तो मैंने उनको इसलिए, क्योंकि मुझे पता है कि वोट्स आते हैं और वोट्स बहुत ही जजमेंटल होते हैं. लोग जिस स्टेट से राज्य से वो आते हैं तो वहाँ वो राज्य से भी डिपेंड करता है, फिर कितना पॉलिटिकल पावर है कि वो वोट्स खींच कर लेके आए. सो इट्स ऑल बिग गेम देयर. यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो इन्वेस्ट अ लॉट टू विन. ओके इन दैट इफ़ यू वॉन्ट टू रियली विन बिकॉज इट्स वोटिंग पे ना, तो वोटिंग करने का अलग अलग तरीके होते हैं. तो जो कंटेस्टेंट्स बहुत कुछ करते हैं टू विन, बट एट द सेम टाइम जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि टैलेंट का हकदार है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम प्रेस करते हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी जगह लोगों के दिलों में बना देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल राघव जीता नहीं लेकिन आज सबके दिलों में छाया है. लेकिन आपने कहा कि एक बात कि जो कंटेस्टेंट है काफी इन्वेस्ट करते हैं. एब्सोल्युटली या दे डू, दे डू बिकॉज उनको जीतना है. इट्स वेरी सिंपल. सो दे डू इन्वेस्ट, दे यू नो गेट पब्लिक टू कॉल वोटिंग. बट द चैनल एंड ऑल डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज चैनल से क्या लेना देना कौन जीता है. उनको सिर्फ चाहिए कि शो अच्छा हो एंड पीपल वॉच द शो. सो दे आर नॉट कंसर्न विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट्स द कंटेस्टेंट्स दैट समटाइम्स वी नो वांट टू विन. तो उनके होते हैं पैतरे. जैसे कंटेस्टेंट्स अभी पॉलिटिक्स में खेलता है तो वो पैसा लगाएगा ना. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. चीयर्स. बाय बाय. नहीं
नहीं मतलब सो बिकॉज़ सरप्राइज होना है एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट मैम एंड द शो ऑब्वियसली या ऑब्वियसली एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ रश्मि शर्मा वी ऑलवेज सपोर्ट व्हाटएवर शी डज एंड जो भी वो करती हैं कुछ नया ही होता है एंड आई नो आई हैव सीन बिट ऑफ थोड़ा बहुत इसका जितना मुझे पता है कि एक लड़की की कहानी है कैसे वो प्यार ढूंढ रहा है इन सब चीजों हाँ मतलब पोस्टर से दैट मच आई हैव फिगर्ड बट या आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैम का ये फर्स्ट वेंचर इन वेब सीरीज एंड ऑब्वियसली वेब सीरीज इज सो इन राइट नाउ एंड उन्होंने वहाँ पे भी हाथ डाल दिया सो आई गेस नाउ शी इज गोइंग टू किल इन ऑल द साइड्स सो विशिंग हर गॉड ब्लेस एंड वेरी गुड लक यप ओके ओके सो डोनाल्ड जी लव स्लीप रिपीट सबसे ज्यादा क्या किस में बिलीव करते हैं आप स्लीप क्योंकि बहुत काम करने के बाद क्योंकि हम लोग जैसे सीरियल के लोग हैं तो उनको 12 घंटे काम करने के बाद नींद आ जाती है सो वी लव स्लीप एंड देन वी रिपीट इट दैट्स व्हाट वी लव स्लीप एंड देन वी रिपीट इट ओके सीरीज के अलावा रियलिटी शो चल रहा है बिग बॉस काफी धमाल मच रहा है काफी काफी अलग अलग लोग आ चुके हैं फाइट भी हो रही है क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप मतलब मैं मुझे जो कैटरीना पंजाब की कैटरीना शहनाज आई फाइंड हर वेरी बबली एक्चुअली मतलब जेन्युइनली वो मुझे बहुत क्यूट लगती है बस फेक है वो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता बट नेचुरली जैसे मैंने थोड़े बहुत अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ यार प्लीज़ मतलब इनिशियली थोड़ा मैंने जो फॉलो किया था उसमें आई जस्ट फाउंड हर क्यूट दैट्स इट मे द बेस्ट पर्सन विन या क्या आया है आई थिंक या सो देयर इज दिस गाय लाइक दिस गाय हु अब्यूजेस अ लॉट एंड ही अब्यूजेस एंड ही गॉट फेमस सो ही गॉट वायरल एंड दैट्स हाउ या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दैट मोटा गाय या कुछ भी अजीब सा ड्रेस पहन के जेनिफर लोपेज का ड्रेस पहन के अभी नो दैट गाय हाउ बट देयर इज दिस गाय सो या बट आई सॉ हिज यस्टरडे एपिसोड एंड एक्चुअली इज क्वाइट एंटरटेनिंग आई होप ही डजंट अब्यूज इट सो या वेल गुस्सा करवा दे तो गुस्सा क्या वो वेटिंग कर रहा है गुस्सा करवा दे तो अब्यूज करता है तो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है एनीबॉडी कैन बी अ स्टार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत मतलब टैलेंट भी होना चाहिए कुछ किसी मतलब एक लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि एक टैलेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ऐसे भी किसी को भी स्टार बना देते हैं तो कि वो बहुत ही शॉर्ट वाइल के लिए होता है एक्चुअली नॉट फॉर एवर ओके अगर मैं दूसरी की बात करूँ रश्मि बाहर आ चुकी है काफ़ी इविक्शन हो चुका है उनका तो आर यू डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बहू थी कलर्स चैनल की हम दोनों भी कलर्स का शो कर चुके बताओ अपने व्यूज बताओ मैं क्या बताऊँ मेरी रील मम्मी बाहर आ गई है और मेरी एक और रील मम्मी अंदर ही है सो आई होप कि जो मेरी जो बाहर निकली वो वापस अंदर चले जाए बिकॉज आई थिंक रश्मि एंड दिवलीना डिड क्वाइट वेल इन द शो एंड बस बनाना है ना बिग बॉस में बस और वो उन्होंने वो बनाया सो आई होप कि वो वापस से अंदर जाए और बहुत बस बनाए एंड मुझे लगता है दोनों कलर्स के लव्ड वंस हैं एंड कलर्स जो चैनल है जो भी कलर्स को देखता है तो वो जरूर चाहेंगे कि वो दोनों बिकॉज बहुए हैं बहुए वापस आए हैं ऐसा जरूर चाहेंगे भाई तो सब क्वेश्चन पूछ लेंगे मतलब यू थिंक कि हम लोग रेगुलरली वॉच करते हैं ना सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना चाहते हो सिद्धार्थ में आई थिंक ही इज प्लेइंग रियली स्मार्ट बट वो आई थिंक अभी उनको थोड़ा टेम्पर इशू है बट ठीक है आई थिंक ही विल टेक केयर ऑफ दैट ठीक है मतलब थोड़ा बहुत टेम्पर वगैरह भी चलता है बिग बॉस है ये सब तो देखना चाहते हैं सब लोग अब वो ये नहीं करेंगे और कैसे चलेगा चुपचाप से रहेंगे तो कैसे चलेगा सब आप दोनों बहुत ही मेरे बाल ऑयली थे तो मैंने बन बना लिया मैं अभी आ रही हूँ दिल्ली से एक्चुअली 7:30 आई जस्ट लैंडेड एंड आई गॉट ड्रेस्ड अप एंड आई केम सो द मेन मोटिव इज मैम का शो था एंड वी हैव डन हर शो एंड शी इज अ लवली पर्सन एंड वी केम हियर जस्ट टू विश हर गुड लक एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच अगली एकता कपूर है या अगली या मतलब अगली हमारे लिए भी जरूरत नहीं वो हमारे लिए एकता कपूर है उससे भी बढ़कर थैंक यू अभी हो गया